हेलो गाइस, वेलकम टू खाना खजाना विद सुनीता। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मावे की रेसिपी। ये मावा हम घर पर बनाएंगे और बिल्कुल प्योर दूध से ये मावा मैं बनाऊंगी। तो अगर आपको बिल्कुल हलवाई जैसी मिठाई बनानी है तो सबसे पहले आपके पास जो इंग्रेडिएंट है वो मावा होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि घर पर मावा कैसे बनाएं और इस मावे से आप कोई भी मिठाई जल्दी से बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी वो मिठाई बनकर तैयार होगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर उससे पहले आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और हम इसमें डाल देंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध लिया है और मैंने यहाँ पर फुल क्रीम मिल्क यूज़ करा है। तो 1 किलो दूध से यहाँ पर मैंने 1 कप मावा बनाया था। लगभग 250-300 ग्राम यहाँ पर मेरा मावा बनकर तैयार हुआ था। तो पानी यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में इसलिए डाला था ताकि दूध नीचे तले में चिपके ना। तब हम इसे लगातार चलाते जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाना है जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। तो दूध में एक अच्छा सा बॉईल आ गया है और दूध के ऊपर ऐसे मलाई आ गई है जिसे हम दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चारों तरफ से सारी मलाई को हटा लेंगे और दूध में बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि जल्दी से गाढ़ा होता जाएगा। और लगातार स्पैचुला की मदद से हम दूध को चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे तले पर लगे ना। तो ऐसे मलाई आती जाएगी, इसे आप हटाते जाएँ और दूध धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 कप मलाई। तो यहाँ पर मैंने घर की जो मलाई होती है वो यूज़ करी है। सारी मलाई हम इसमें डाल देंगे और मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर डालने से जो मिठाई है वो बिल्कुल सफ़ेद रहेगी, यानी कि जो दूध है हमारा बिल्कुल सफ़ेद रहेगा, पीला नहीं होगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मलाई डालने से और जल्दी थिक हो जाएगा जो हमारा दूध है। इसे वापस हम लगातार चलाते जाएंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इसे चलाते जाना है और इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे लगे नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध जो है वो एकदम गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं, और मावा बनकर तैयार है अब। तो यहाँ पर 1 किलो दूध से लगभग मैंने 300 ग्राम मावा बनाकर तैयार किया है और बिल्कुल शुद्ध दूध का बना हुआ ये मावा है। मार्केट से आप लाएंगे तो हमें पता नहीं होता उसमें क्या क्या डाला होता है, लेकिन घर पर आप बनाएंगे तो आपने ही बनाया उसे और आप जानते हैं कि आपने उसमें क्या क्या डाला है। बिल्कुल प्योर ये मावा बना है और मावा बनाने में थोड़ा सा टाइम भी जाता ही है, लेकिन बिल्कुल शुद्ध मावा आप घर पर बना सकते हैं और बिल्कुल शुद्ध इससे मिठाई बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इन मिठाई का। और अभी बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं तो अगर आप मिठाई बनाएं तो घर पर बने हुए मावे की ही बनाएं और भगवान को भी उससे भूख लगाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।